औषध और बचा में चल जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा टॉपिक है करेक्शन एंड रिव्यू मेक्स वाइज अ पर्सन। शिक्षा और डांट मनुष्य जान को बुद्धिमान बना देता है, उसी में से मैं बोलना चाहता हूं। और इसलिए मेरा टॉपिक मेरा वचन पंचम वचन में लाया हूं प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 7, 8, 9। नीति वचन 9 का 7, 8 और 9 उसमें से हम सुनेगा। जो तथा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। तथा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझे से देर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझे से प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिट्ठा दे, वह अपने विधा भराएगा। आमीन। कितना परमेश्वर का वचन कितना सच्चे है और सुंदर है। और यहाँ मैंने जब यह परमेश्वर का वचन पढ़े थे बहुत कुछ मन में आया, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ये हुआ है मेरे जीवन में। और सच इसलिए मैं कहा हूं परमेश्वर का वचन सच है। हम मनुष्य सब झूठ हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है। जैसे परमेश्वर सच्चा है और उनका वचन सच्चा है, तथा करने वालों को शिक्षा न देता है तो हम शर्मित हो जाते हैं। बाबा ने सत्य वचन ने कहा अपमानित होता है क्योंकि वो आपका बात सुनने का नहीं, हंसेगा, अब मजाक उड़ेगा। आपने परमेश्वर का बुद्धि अपने हृदय से ये चांदी सोना मोटी जिसे आप शीशा दे रहे हैं, लेकिन तथा करने वाला उनका मन में सच्चाई नहीं है। उनका आपका बात को मजाक उड़ेगा और आपका बात को गंभीर से नहीं लेगा, क्योंकि कपार है, सच्चाई नहीं हो उनका मन में। इसलिए सिखाते हम अपने शर्मी हो जाता है। और ये मैंने काफी बार मेरा जीवन मैंने बेटा हूं, इसलिए मैं समित है, हमेशा वचन सच्चे है और मुझे सहायता करता है, मुझे समझाता है, मुझे आगे भर के ले जाता है, मुझे गहरे से उठाता है, मुझे सामग्र रखता है। मैं ये कहता हूं। और जो दुष्चम को डांटता है वे कलंकित होता है। दुष्ट को आप डांटा हूं सच्चे से, आप प्रेम से आते डांटा हूं डांट दिया होगा, लेकिन वो कल आपसे बात नहीं करेगा। तुम आपको देखोगे कैसे, आपको कैसे महसूस करेगा। मैंने काफी बार ये हुआ है मेरे जन्म में, दुखी मेरे आने में तुम यह बेला लगा जैसे एक कट्टा लगा जैसे बहुत दुखी, इसलिए मैंने चुप हुआ। अच्छा तुम्हें चुप रहे, क्यों मैं दुख उठाऊंगा, समझाते बताते भी क्यों आपने दुख उठाएगा, शांति में रहे। मैं आपने को चुप किया, आपने आपको चुप किया। मैं काफी बार यह मैंने इस जीवन मैंने देखा हूं और बताया है। तो इसलिए परमेश्वर वचन सच्चे है, हमको बुद्धिमान बनाता है, हमारा आंखें हमारा बुद्धि ये बुद्धि को खोल देता है। इसलिए परमेश्वर वचन बला है, सच्चा है और कितना अच्छा है।
तथा करने वाले को ना डर, इसलिए यहां शिक्षा मिला है, यहां मुझे सीखी है। तथा करने वालों को ना डर, क्योंकि मजाक बुरा है आपका शब्द को सुनता नहीं, मानता नहीं, ग्रहण करता नहीं, आपका बात को मजाक बुरा है और आपको दुख पहुंचा रहे हैं। सच्चे परमेश्वर का शिक्षा हमको बुद्धिमान बनाता है, हमारा आंखें को खो देता है। तथा करने वाला को ना डर, ऐसा ना हो कि वे तुझे से बैर रखे। सच्चे हैं, कहा तो बात नहीं करता, कहा तो मुर्गे मुंह मुंह फिर जाता है, तो ये कितना दुखी है। मैं कहा काफी बार, मैंने अनेक बार खेद हुआ, क्यों बताया मैंने, क्यों मुंह खुला मैंने, शायद बना के लिए बताया, लेकिन मैं नहीं खोना था, मैं नहीं बोला था, अनेक बार मैं खेद हुआ हूं। बुद्धिमान को डांट, वे जो तुझे से प्रेम रखेगा। सच्चे है, बुद्धिमान को डांटता है तो और मुझे प्रेम करता है। वो क्या कहता है, बहुत धन्यवाद शिक्षा के लिए, आप का शिक्षा ऐसे कोई नहीं बताता, मुझे वो अच्छा लगा, आपका शिक्षा को सुन के मिलकर मुझे अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। ये है बुद्धिमान, आपसे प्रेम करूंगा, कल और आपका पास में आप मिलते और अदर सामान करके आपसे बात करता है, मिलता है, ये कितना अच्छी है, कितना खुश शांति है। परमेश्वर वचन सच्ची है, बुद्धिमान को डांट, वे तो तुझे से प्रेम रखेगा। परमेश्वर का वचन ये अच्छे शिक्षा हमको, बुद्धिमान शिक्षा हमको बुद्धिमान बनाने के लिए, बुद्धिमानी बनाने के लिए हमको शिक्षा दे रहा है। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वे अधिक बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे तो और ज्यादा बुद्धिमान होगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरे लिए सच्चे सही है, ये मुझे ये अच्छा है, और मैं मानना चाहिए, मैं सुनना चाहिए, मेरा मन में रखना चाहिए। और आज बड़ों का शिक्षा लेना बहुत कितना मूल्य है, कितना अधिक मूल्य है, लेकिन आज कल ये कम हो जा रहा है। हमारा समय में हमारा बचपन में बड़ों का शिक्षा लेना बहुत मन करता है, उनका बात को सुनना, हमारे टीचर जो बुढ़ा लोग है बड़ों है, हम उनका ध्यान से सुनता है, अच्छा लगता है। थोड़ा जवान तो हम मुझे ऐसा हम वो ऐसे लगता था कि शायद ये क्या कैसे दिखा, शायद वो भी एक्सपीरियंस किया, उन सच्चे बता रहे हैं कि नहीं, लेकिन बढ़ाऊंगा बुनाऊंगा बढ़ाऊंगा शिक्षा हम ये सच्चे है, सच्चा बात से हम लेता है और सुना है सच्ची है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया और इसलिए उन्होंने बता रहे हैं, तो हमको शिक्षा मिलता है, हमको बुद्धिमान हम आंधे में हमारा या शिक्षा हम या शिक्षा है और हमको बुद्धिमान बनाता है। जैसे हमारे माँ बाप लोग का जमाने में बताते हैं, हमने चांद को देखा है, सबसे पहले हमने चांद को देखा है। सच्चे है, हम पैदा ना होते पहले हमारे माँ बाप ने चांद को देख चुका हो, वहां पैदा आया हम भी देखे। सच कितना बुद्धिमान इन लोग, शिक्षा उन लोग पढ़ाई लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कैसे बुद्धि अंदर में दिया कि उन्हों ऐसे बात बोला था, हमने तो जिससे पहले दिखा है जान, इससे बात मत सुनो, शिक्षा लेना सच बात है, ये हमको बुद्धिमान बना देता है, इस बात को सुन लेता है। तो इस वजह से हम बड़ों का इज्जत आधार समझ करके उनको बात सुनते थे और लेता था। बुद्धिमान को शिक्षा देने से वो अधिक और बुद्धिमान बनता है। धर्मी को चिंता दे, वह अपनी विधा बढ़ाएगा, वो फिर सीखेगा और ज्यादा वो या सीखते जाएगा धर्मी को, क्योंकि धर्मी बात सुनता है, अच्छी बात सुनता है। धर्मी को बुद्धिमान को ये बात सही है सही नहीं है, यह
उसको अंतर जानता है और सही बात सुनता है और ज्यादा वो लर्निंग होगा, ज्यादा वो शिक्षित जाएगा, बुद्धिमान बनती जाएगा। बाइबल सत्यवाद वचन सच्चा कहा है। प्रभु ने भी मत्ती 7 का 6 में प्रभु ने भी खुद कहा है, पवित्र वस्तु कुतों को ना दे दो और अपने मूर्ति स्वरों को स्वरूप के आगे मत धलो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों ताले रौदे और पलट कर तुमको फा डाले। कुत्ते यहाँ कुत्ते कुत्तों का सामने आकर पेड़ अगर पेड़ जो मांगी चीज से मोटी ना डाल, क्योंकि उसको ये वैल्यू नहीं जानता, इसकी कीमत नहीं जानता, वो खराब कर देगा, बिगाड़ कर देगा। और शायद हो सकता आप पर फिर आपको बाउंस करे, आप पर चल के आपको फाड़ खा ले। सच्ची है ये कुतों, मतलब सच्चाई, जिसका कपट, जिसका मन कपट है, सच्चे नहीं है इन लोगों, कुतों कुतों सामने कुतों सामना ये मैं तुला है। तो कुतों मतलब है सच्चे नहीं है, कपट है जिसका मन में, इंसान जिसका मन सच्चे नहीं है, कपट है इन लोगों। यह उदाहरण परमेश्वर एक दर्शन में बता गई है, कुतों को सामने मोटी ना डाले, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा यह एकदम मूल्य है, सोने से खरीद नहीं सकता। मोटी जब फिर सबसे मांगी चीज से भी खरीद नहीं सकता, ये इससे ट्रेजर है परमेश्वर का वचन, हमारे हृदय में वो रखा है। इसलिए यहाँ एकदम सोचना बहुत बड़ा बात है, हमको एक सूचना दे रहा है कि कुटुंब के सामने ये मोटी ना डाले, क्योंकि उसको ये पाँव पाँव का नीचे ऊन खराब कर देगा, पाँव लगा देगा खराब कर देगा, मतलब ऊन लेगा नहीं, हंसी मजे करेगा, इनकार करेगा आपको वचन, फिर आपको दुख पहुंचेगा। ऐसे सच में परमेश्वर वचन ये कितना सच्चे है मेरे जीवन में, मैंने सोचा ये सब एक ही हूं, प्रभु यीशु में मैं एक समा रखा, कैसे वो मैंने दुनिया का नजर से ये छोटा है बड़ा, ये बुरा है, ये इसको नहीं जानता ये जानता, मैंने किसी को फर्क नहीं जाना। जब चर्च माता है जो यीशु को जानता है, चर्च में जाता है, मैं सब लोग एक समान, ये सब यीशु का बेटा बेटी लोग है, विश्वासी लोग है, जानकर मैं सबको बार बार प्रेम करता हूँ और मैं दिल से दिल खोकर मैं बात करता हूँ। लेकिन देखा है सब लोग मान में यह नहीं है, विश्वास नहीं है, कुटुम समान यीशु ने दस्तन जो बताई गई है मुझे ये सच्ची बात है। कितना कितना बुद्धिमान बात परमेश्वर ने यीशु ने बताया है, मुझे इससे दुख पहुंचाया, मैंने ये मुझ पर ये हुआ है, जिस पर मैंने भरोसा रखा वो मुझे फाड़ के खाने के, मुझे ऊंट क्या है पलट किया, मुझ पर पलट कर किया, मुझ पर मुझको दुख पहुंचाया, मुझको नुकसान पहुंचाया, मुझे मैं उसमें मैं गिरा पड़ा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह ने मुझे उठाया, एक तो गंभीर रूप में छोड़ रखे है। तो सच्चे परमेश्वर का वचन कितना सच्चे है और हमको बुद्धिमान बना देता है, क्योंकि परमेश्वर का शिक्षा सच्चा है और एक बुद्धिमान रूप में दस्तन बदल गई है। तो यह हमको बुद्धिमान बुद्धिमानी बना
बना देता है। दाऊद ने साम्स 141:5 का 5 में यहां दाऊद ने प्रार्थना की कि धर्मी मुझको मारे तो वे कृपा मानी जाएंगे, धर्मी मुझको मारे तो वे तो यह कृपा मानी जाएगी, और ये और वे मुझे तरना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। आमीन। दाऊद एक धार्मिक था, जान विश्व जीवन में बहुत कुछ दुश्मन बहुत अनेक बार दुश्मन हमला किया, ऐसे उन्हें प्रार्थना किया धार्मिकता मुझे मारे, मैंने गलत किया तो मैं मुझे सुधारने के लिए मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए मैं गलत किया पाप किया तो मुझे मारे धार्मिकता, ये मेरे लिए कृपा प्रेम समझाऊंगा, इससे उन्हें बदल गई है। और दान तरना मुझे तरना तो वे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, एक निर्बुद्धि का दान खाना बहुत भारी है, एक निर्बुद्धि आप आपको डांटता है हमको डांटता है ये बहुत भारी है, सिर फूट जाएगा एक तो भारी होता है, लेकिन धर्मिता जब हमको मारता है ये प्रेम है हमको सुधारता है, हमारा आंखें को निर्बुद्धि को खो देता है, और आशीष कारण ये बाद में हमारे लिए अच्छा भला होता है और सुंदरता और खुश रहता है, लेकिन एक निर्बुद्धि दान देता है तो बहुत भारी उठाना बहुत मुश्किल, सुस्ते सुस्ते एकदम सिर फूट जाएगा, जैसे दाऊद ने सच्चे है दाऊद का बात यहां उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। मैं भी ये प्रार्थना जीवन में मैंने भी किया हूं, धर्मिता मुझे मारो मैं संभलूंगा मैं सहलूंगा, लेकिन एक मूर्खा मुझे इतना दान दिया रहा है ये तो बहुत भारी है उठाना मुश्किल है, मेरे जीवन में मैंने ये कहा हूं, मैंने भी ये एक्सप्रेस किया और मैंने भी ये महसूस किया, जब मैं यह पूरा दाऊद का जीवन याद आया कितना सच्चे है, क्या आप भी इस से आप सह सकता है साले लेगा धर्मिता आपको थप्पड़ मारे आपको ठांटे आप चुप से सह लेगा कि आप फिर आप उल्टा जवाब देगा उल्टा उसको मारेगा। दाऊद कैसे सह लिया, कैसे उन्हें खड़ा किया, कैसे जीत विजय पाया, प्रार्थना प्रार्थना जीवन बताता है दाऊद। हालेलुया। ओ प्रार्थना ने छूटा परमेश्वर का भरोसा विश्वास के प्रार्थना जीवन हर समय जो जैसे अपस्थित हो सकते सिचुएशन हो प्रार्थना इसे यहां कहा दूसरो उन लोग का विभक्ति समय होते भी मैं तो प्रार्थना करूंगा प्रार्थना में लवलीन रहूंगा कहा है, वो लगातार प्रार्थना करता व्यक्ति है इसलिए उसके जीवन में सहलिया और विजय पाया है। यहां प्रोवर्ब्स 10 नीति वचन 10 में 10 का 17 में जो शिष्य पर चलता
वह जवान को जवान के मार्ग पर है, परंतु जो दान से मुंह मोड़ता वह भटकता है। शिक्षा जो शिक्षा लेता है वो जीवन का मार्ग में चलता है कहा है, लेकिन जो शिक्षा नहीं लेता वो फटक जाता है, सत्य से और सही रास्ता से फटक जाता है। तो शिक्षा लेना, डांट लेना, सह लेना और शिक्षा सुनना, मानना और सह लेना बहुत कितना महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें जीवन रास्ता में हमको ले जाता है। जब डांट खाता है और शिक्षा लेता है तो हमको जीवन रास्ता में ले जाता है। वचन हमको साथ साथ बदल रहे हैं। हमने परमेश्वर का बात को सुना है कि हमको परमेश्वर का वचन हमको बुद्धिमान बनाने, बुद्धिमान के रूप में बनाने के लिए हमको शिक्षा देता है, हमको डांटता है। तो हम सहाले, हम इनकार ना करें, हम माने, सुने और धीराज रखे, पेशेंस रखे और हर समय डांट खाना शिक्षा लेने के लिए हम हृदय तैयार करें, मान दिया करें। यहां फिर हम देख सकता है बारह में, नौ का बारह में, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू तथा करे तो डांट केवल मुंह ही भोगेगा, तू डांट केवल मुंह ही भोगेगा। यहां बुद्धिमान आपने बुद्धिमान का बुद्धि का फल ये पाएगा, आपने जो किया आप पर फिर लौटा आएगा, लेकिन यहां तथा करने वाला आप अकेला दान खाएगा, आप अकेला सजा खाएगा, क्योंकि आपने शिक्षा नहीं लिया, आपने डांट देते वो आपने इंकार किया, नहीं सुना, इसलिए आप अकेला सजा मिलेगा। लेकिन बुद्धिमानी और बुद्धिमान वो अपना बुद्धि जो शिक्षा लेता है और दान खाट लेता है, सा लेता है और समझ लेता है, वो अपना फल बुद्धि फल वो मिलेगा। तो जो आप जैसे आप परमेश्वर का दान और बुद्धि या शिक्षा लेता हो, वैसे ही आपको आप उतना ही बुद्धिमान बनेगा। जो आप इनकार करता हो वही लौटा आएगा, जो आप लेता हो वही लौटा आपको आएगा, और आपको फल उसका बुद्धि का फल आप मिलेगा और आपको आनंद होगा और आप भाटे जाएगा। लेकिन जिसने इनकार किया, शिक्षा इनकार किया और दान इनकार किया, वो अपना सजा मिलेगा, अपना आप अकेला सजा मिलेगा और आप अपने आप अकेला ये दुख ये उठाएगा, ये कहा है। यहां परमेश्वर का वचन, यहां से हम कुछ सोच एक थॉट्स हमको मिला है कि बुद्धिमान है आप, बुद्धिमान है तो आप शिक्षा लेगा, बुद्धिमान है तो आप डांट खाएगा और आप करेक्शन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप दुष्ट है, आप बुद्धिमान नहीं है, आप दुष्ट है तो आप इनकार करेगा, आप डांट नहीं खाएगा,
धर्म को इनकार करेगा, शिक्षा को इनकार करेगा और आप मुड़ जाएगा, आप सही रास्ता ठीक रास्ते से आप बाहर हो जाएगा। लेकिन आप बुद्धिमान है तो आप शिक्षा को लेगा और आगे बढ़ूंगा, और क्योंकि जीवन का रास्ता में आप जा रहे हैं वो कभी आप फर्क नहीं जाऊंगा। लेकिन शिक्षा शिक्षा नहीं लेने लो और धन नहीं लेने लो वो फर्क जाएगा। तो आपने परमेश्वर का वचन जो आपने सुना उससे आइए हम आपने आपको जांचे, मैं कहां हूं, मैं बुद्धिमान बुद्धिमानी है कि मैं फटक गई है, जीवन का रास्ता मैं जा रहा हूं, शिक्षा लेकर मैं जान रहा है कि मैं इनकार करके फटक गया बाहर चले गया। आज परमेश्वर का वचन आप में बोले थे, आपसे बात करने थे और हम बुद्धिमान बुद्धिमानी बने। परमेश्वर का वचन इससे मैं सबको उच्चार करता हूं, इस परमेश्वर वचन सुंदर वचन हमको बुद्धिमान बुद्धिमानी बनाने के लिए हमको ये शिक्षा दे रहा है। कभी शायद परमेश्वर खुद आकर आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन परमेश्वर कहीं कहीं से भी आपसे बात करेगा, आपका लीडर से भी बात करेगा, कभी आपका पास्टर होगा, कभी आपका माँ बाप होगा, कभी आपका दीदी होगा, कभी आपका आंटी अंकल, कभी पुजारा, कभी दोस्त। आप उसमें ध्यान लगे, ध्यान लगाइए जो शिक्षा दान दिया रहा है, शिक्षा दे रहा है ये आपके लिए क्या है, आप क्यों ये मिल रहा है, क्यों ये सुन रहा है। आप उसको जवाब देगा उनके सामने लगभग करके उसको ढांगी दे, तुम कौन हो मुझे सिखाने वाला, ऐसे बात बोलना तो ये मूर्खा है। इसलिए जीवन का रास्ता भटक गए, लेकिन जो शिक्षा लेता है सुनता है और हाँ मान लेता है ये बुद्धिमान बुद्धिमानी बनेगा और ये जीवन का रास्ता में चल रहा है। आज परमेश्वर का वचन ये मान में बचत करने दे, परमेश्वर का आवाज सुनते ही आपको मान में यह बसने दे और परमेश्वर आवाज आपसे बोलने दे। आइए हम अभी प्रार्थना जाएगा, इतना से मैं परमेश्वर वचन इतना से अभी हम प्रार्थना जाएगा। जो भी परमेश्वर वचन आपने सुना है यह मेरा बात नहीं है, परमेश्वर बात है, जो मैंने पाया मैंने सुना, मैं आपका बीच में आकर यह फिर आया है, मौका मिला परमेश्वर को महिमा मिले। अभी हम प्रार्थना जाएगा, हम सब आंखें बंद करें और जैसे आपने वचन सुना परमेश्वर वचन ये सत्य वचन है और आपने कैसे जीवन आपका जीवन में ऐसे आपने बिता भी नहीं और कुछ भी इंसिडेंट हुआ आप ये याद करें और आज परमेश्वर वचन इसको फालतू से दुसका से निकाल ना दे, लेकिन आपके जीवन में आपके मन में ऐसे करें ग्रहण करें और वचन आपको बोलने दें।